देखिए सुबह करीब 9:30 के आसपास में थाना प्रभारी मझोला को सपा के एक नेता हैं उनके द्वारा ये सूचना मिली थी कि धर्मपाल यादव जी हैं पूर्व सपा के जिलाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अपने घर में अपनी लाइसेंस से रिवॉल्वर से सुसाइड कर लिया है। और यह मौके पे थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी और एसपी प्रभारी एसपी सिटी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक टीम है उसके द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया देखने में लग रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पे एक छोटा स्टोर टाइप का एक रूम है और वहाँ पे एक छोटा बैग है, उसी के अंदर से जो रिवॉल्वर है उसको निकाला गया है। और उन्होंने राइट साइड से राइट हैंड से लाइसेंस रिवॉल्वर है उससे गोली मारी गई है और इसमें प्रथम दृष्टया देखने पर आत्महत्या लग रहा है। और इनके पास में जो अभी तक जानकारी मिली है 3 असले थे, जो एक इनकी पत्नी के नाम पे था जो इनके पास में था, और 2 अभी चूँकि चुनाव में आचार संहिता लगी हुई थी तो सारे 2 वेपन इनके जमा थे। परिवारजनों से जो पूछताछ की गई तो ये जानकारी मिली है कि पिछले 3 महीने से ये डिप्रेशन में थे किसी चीज़ को लेकर, और इनको फिजिकल भी प्रॉब्लम थी डिप्रेशन की वजह से। और 31 तारीख से परिवारजनों ने बताया है कि उन्होंने दिल्ली में कई साइकोलॉजिस्ट है उनसे इनका वो भी कराया था, ट्रीटमेंट भी चल रहा था, उनकी दवाइयाँ भी इनकी चल रही थी। और जानकारी मिली थी कि कहीं किसी चीज़ को लेकर मतलब जो इनके दिमाग में कोई चीज़ ऐसी हो जाती थी उसको लेकर ही हमेशा परेशान से रहते थे, और उसी वजह से फिर इनको और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अभी परिवारजनों के द्वारा जो जानकारी मिली है उनको हरिद्वार भी ले जाया गया था, वहाँ पर इनको थोड़ा काउंसिल भी किया गया था जो कि इनकी बेटी और बेटे ने बताया है। प्रथम दृष्टया घटनास्थल है जो ऊपर ही बेडरूम इनका ऊपर है और नीचे एक रूम है जिसमें अक्सर इनका स्टडी रूम टाइप का था, उसके बगल वाले रूम में ये घटना हुई है। और उसमें अंदर से जो गेट भी बंद था उसको परिवारजनों ने धक्का मार के खोला है। तो इसमें अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी तक तो कोई इसमें सुसाइड नोट वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं मिली है, इसकी जांच की जा रही है घटना से। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के आधार पर इसमें आगे कार्रवाई होगी। अभी तक परिवारजनों के द्वारा किसी प्रकार का कोई कोई संदेह या कुछ तरह की चीज़ें नहीं बताई गई। गोली का हमारी पिछले 3 महीने से वो लोग बताया जा रहा है कि परेशान थे, और गोली इन्होंने राइट साइड में कान के ऊपर सिर में मारी है। रिवॉल्वर भी मौके से बरामद हुई है और प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि उनके द्वारा ही मारा गया है और वहीं पे उसी जगह पे लेटे हुए भी पाए। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।